हाँ जी दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का विंटेज ऑडियो इंडिया में हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज एक और नए मॉडल के साथ, रेयर मॉडल है दोस्तों, ये 1970 का फिलिप्स मेजर 1970s, ये नए मॉडल के साथ फिर एक बार हम विंटेज ऑडियो इंडिया में आ गए हैं। और दोस्तों, ये मेरे पास एक ऑलरेडी था और ये दूसरा आया है, तो किसी रेडियो चाहक को ये मॉडल परचेज करना है तो मैं दे सकता हूँ दोस्तों। फिलिप्स मेजर है और उसका मॉडल भी पीछे लिखा है, वो मैं दिखा दूंगा, 15RB 536 536। और देख लो दोस्तों, ये ऐसी कंडीशन में आया है जैसे मान लो चमचमाता हुआ। देख लो दोस्तों उसकी कंडीशन, बिल्कुल न्यू जैसी कंडीशन है। और उसके ग्लास की भी कंडीशन देख लो, वेरी गुड, मस्त उसकी कंडीशन ऐसी चमचमाती हुई है दोस्तों। ये फिलिप्स का ब्रांड, यहाँ फिलिप्स का लोगो है देख लो। ये बास ट्रिबल ट्यूनिंग का, फाइन ट्यूनिंग का है शॉर्टवेव के लिए। और चार बैंड का ये रेडियो था, शॉर्टवेव 1, 2, 3 और मीडियम वेव। और यहाँ फिलिप्स मेजर का बड़ा सा लोगो आता था ग्लास में आगे। और उसका लुक है दोस्तों, देख लो, उसके लुक को कोई बीट नहीं कर सकता ऐसा। इसका लुक मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पे फिलिप्स लिखा है। और ये इसकी ग्रिल है दोस्तों, इतना बड़ा सा स्पीकर आता था। और ये पार्टीशन था बीच में, और यहाँ से वो उसका डायल था, और नीचे ये पट्टी आती थी। और ये वुडन फिनिशिंग है, ये है नीचे वो वुडन फिनिशिंग दिया था। और ये सब इसका बैंड है, मीडियम वेव 3, 2, 1, शॉर्ट वेव 1, 2, 3, ये रिलीज हो गया। और ये रेडियो और पिकअप, पिकअप यानी कि हम उसका बाहर आवाज़ दे सकते हैं। और ये रेडियो पे सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्टर है इसका। और ये ऑन ऑफ एंड टोन का है, ये ऑन ऑफ टोन। यहाँ भी फिलिप्स का लोगो है लगा हुआ। और ये उसका नीचे नीचे बेस दिया हुआ है दोस्तों बड़ा, तो देख लो ये लुक कैसा इसका बढ़ाता है। ये है इसका लुक। और अब मैं इसको चलाता हूँ, लेकिन इससे पहले उसकी सराउंडिंग का पीछे का दिखा देता हूँ। देख लो दोस्तों, ये 230 वाट पे चलता है। और यहाँ मॉडल नंबर ये सब लिखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लो, 15RB 536 फिलिप्स मेड इन इंडिया, 1970 का मॉडल है। और उसका जो स्टिकर लगा हुआ है वो भी आज तक ऐसा ही ऐसा है। और उसका बैक कवर देख लो दोस्तों, बिल्कुल न्यू कंडीशन, न्यू नीट एंड क्लीन। देख लो दोस्तों, आज तक उसका जो लिखा हुआ है वो भी ऐसा ऐसा है। और ये जो नीचे का जो है वो भी ऐसा ही ऐसा है। ये देख लो उसकी थिकनेस का वुडन, वुडन फिनिशिंग भी आज तक वैसा ही वैसा है, नीट एंड क्लीन। और आपको भी मालूम है कि ऐसे रेडियो ही मैं चूज़ करता हूँ जो नीट एंड क्लीन, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हो। और ये रेडियो का अंदर का भी नीट एंड क्लीन है, जैसे बाहर है वैसा ही अंदर है, विदाउट रस्टिंग है, ओरिजिनल सब सर्किट है इसकी, स्पीकर भी ओरिजिनल है। तो किसी को चाहिए तो मैं अंदर का फोटो भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं परचेस करता हूँ, तो बाहर बाहर का भी देखता हूँ और अंदर का भी कंडीशन देख के परचेस करता हूँ। देख लो दोस्तों, ये है चमचमाता हुआ फिलिप्स मेजर 15RB 536। और ये रेडियो का भी दोस्तों एक दिन ज़माना था, बड़े बड़े लोगों, अफसरों, आर्मी वाले और बड़े बड़े जो लोगों थे, इसके पास ये रेडियो हुआ करता था फिलिप्स मेजर। और ये मेजर के बाद 1970 में ये आया था, उसके बाद सब आने लगे थे। 684 आया था इसके बाद, और 684 के बाद प्रेस्टीज आया था, प्रेस्टीज के बाद ये सब छोटे छोटे माइनर आए थे, 2397 एंड 297। और इसके बाद प्राइड ने छोटे छोटे ये सब आए थे। लेकिन 1990 के बाद तो प्लास्टिक बॉडी में फिलिप्स ने बनवाना शुरू कर दिया था दोस्तों, उसकी ओरिजिनल जो मजा थी वो चली गई थी। लेकिन ये वुडन बॉडी में आया था, और ये मॉडल ने धमाका मचा दिया था मार्केट में। और ये इस टाइम ये मॉडल बहुत महंगा महंगा मिलता था। और दोस्तों, ये मॉडल की खासियत दूसरे मॉडल से, क्योंकि मेरे पास दूसरे भी ट्रांजिस्टर मॉडल है कलेक्शन में, आपको मालूम है, तो ये मॉडल मेरे पास एक था ऑलरेडी और दूसरा आया है, तो इसलिए मैं इसको सेल कर दूंगा। लेकिन इस मॉडल की खासियत मुझे ये लगी कि दूसरे जो भी रेडियो है दोस्तों, इससे उसकी जो आवाज़ की क्लियर साउंड जो उसका है वो बहुत क्लीन एंड क्लियर होता है, विदाउट डिस्टर्बेंस। और इसको लाइट से भी इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता है, वो मैंने देखा है। जो दूसरे रेडियो है उसमें हम घर की लाइट चालू करते हैं, बल्ब से, इलेक्ट्रिसिटी से डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन इसको कम डिस्टर्बेंस होता है। यानी कि इतनी इसकी सर्किट है जो पूरी अंदर की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। तो चलो दोस्तों, देख लो कंडीशन, फिलिप्स मेजर लुक देख लो, उसका लुक भी मुझे बहुत पसंद आया। और आज तक उसकी कंडीशन बहुत अच्छी लगी मुझे। और ये उसकी डायल की लाइट भी अभी तक चालू है दोस्तों, देख लो, ये है आपकी डायल की लाइट, मैं चालू करके फिर अभी दिखाता हूँ। और ये डायल है, रेडियो पिकअप रिलीज बैंड दिया है, फिलिप्स का लोगो ये सब उसका है, अभी तक घिसा हुआ नहीं है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में आगे का डायल है। और ये पट्टी भी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, क्रोम फिनिशिंग अभी तक ऐसा ही ऐसा है, स्टील की तरह चमक रहा है। और ये देख लो दोस्तों, नीचे का लुक, ये उसकी ग्रिल देख लो। तो चलिए दोस्तों, अब इसका
चला के हम साउंड धमाका चेक कर लेते हैं कि किस, मैं जब बोल रहा था इसका साउंड बहुत प्यारा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका साउंड कैसा है दोस्तों। ये हमने दोस्तों यहाँ रेडियो पे सिलेक्ट करने रखना पड़ता है, ये पिकअप में करते हैं तो उसका साउंड हम बाहर पिकअप में दे सकते हैं। ये रेडियो पे सिलेक्ट है, यहाँ ऑन ऑफ एंड टोन है इसका, और ये ट्यूनिंग का है ये सब। तो चलो अब मैं चालू करके दिखाता हूँ, ये हो गया चालू। और यहाँ से ये ट्यूनिंग का है, यहाँ से हम ट्यूनिंग का डायल देखो दोस्तों, अच्छी तरह डायल भी घूम रहा है जैसे घुमाओ। और ये लग गया उसका मीडियम वेव, अब हम मीडियम वेव पे अहमदाबाद बड़ोड़ा मीडियम वेव 846 किलोवाट्स यानी कि 846 किलोवाट्स पे चलता है। तो यहाँ यहाँ आएगा 846, तो यहाँ पे हम ले जाते हैं। ये देख लो कुछ सॉन्ग चल रहा है दोस्तों, ज़्यादा बजाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन किसी को परचेस करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगा, उसमें आप वीडियो मंगवा सकते हैं डिटेल, या तो पीछे का फोटो जो भी आप मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा सकते हैं। लेकिन उसकी आवाज़ देखो, और उसकी आवाज़ देखो, मैं वॉल्यूम कितना बढ़ाता हूँ वो भी देखो, उसका वॉल्यूम यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन मैं यहाँ से इतना यानी कि 30% वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो भी उसका आवाज़ देखो। ये है उसका आवाज़। और इसका दोस्तों जो दोनों बल्ब है वो चालू है, और उसका जो लुक उभर के आता है दोस्तों आगे का, वाह भाई क्या बात है। और दूर से देखो तो उसका ओरिजिनल लुक लगता है दोस्तों, देख लो क्या लुक है, जैसे शेर खड़ा हो सामने ऐसा लगता है। और दोस्तों उसका जो बास, ट्रिबल और फाइन ट्यूनिंग ये भी अभी वर्किंग है, तीनों के तीनों वर्किंग है, सारे फंक्शन उसके वर्किंग है दोस्तों। ये रेडियो और पिकअप है वो भी वर्किंग है दोस्तों, ये पिकअप हो गया अभी यानी कि रेडियो चालू नहीं होगा, और ये रेडियो हो गया ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो रेडियो, और ये पिकअप का है, और ये सारे बैंड के उसके उसको पियानो बटन बोलते हैं दोस्तों। और ट्रांजिस्टर में ये मेरे ख्याल से शायद वही रेडियो है जिनमें पियानो टाइप स्विच दी थी फिलिप्स ने, उसके बाद तो ये प्रेसिंग वाला दे दिया था दोस्तों, लेकिन ये पियानो वाले का जो लुक है दोस्तों कुछ अलग ही है। ये देख लो दोस्तों पियानो का जो आनंद है, क्या बात है भाई, ये पियानो स्विच लगवाने में इतना आनंद आता है दोस्तों, जैसे कि हम पियानो बजाते हैं ना ऐसे, इस तरह ये भी है, तो इसको पियानो स्विच बोलते थे। और ये पियानो स्विच ज़्यादातर वाल्व रेडियो में आता है, लेकिन ये एक ऐसा ट्रांजिस्टर रेडियो है जिसमें पियानो स्विच फिलिप्स ने दिया था स्टार्टिंग में 1970 में, बाद में उसने कॉस्ट कटिंग शुरू करके ये सब क्वालिटी उसने डाउन कर दी थी, और प्रेसिंग बटन आया था, और बाद में फिलिप्स ने वुडन में से प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दिया था उसका। और ये दोस्तों उसका जो लुक है, और ये उसका लुक उभर के आता है क्योंकि ये सब उसका बास, ट्रिबल और ट्यूनिंग का उसने साइड में दिया हुआ है, वरना दूसरे सब रेडियो में ये नीचे दिया होता आता है, और प्लेस का कुछ वो किया हुआ होता है, लेकिन उसमें जो उसका लुक है ये तीनों नॉब साइड में दिया हुआ है, ये पियानो स्विच दी है, इसकी वजह से पूरे रेडियो का लुक आता है। तो चलो मैं इसको भी दिखा देता हूँ कि ये सब वर्किंग है, टोन हो गया, बास हो गया, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि वो सॉन्ग चल रहा है तो मैं बजाने में थोड़ा वो झिझक रहा हूँ, वरना ये वर्किंग है। कुछ उसका सॉन्ग जाए या तो कुछ न्यूज़ आए तो मैं उसको भी दिखा सकता हूँ, तो थोड़ा वेट करो। सॉन्ग चल रहा है अभी तक, और उसका लुक देखो दोस्तों, दूर से लुक दिखाता हूँ मैं इसका, ये है हमारे शेर का लुक, डायल लाइट देख लो दोस्तों, और लुक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका। चमचमाता हुआ वुडन फिनिशिंग अभी तक वैसा है। और 1970 का ये कंडीशन में रेडियो मिलना मुझे मुश्किल लगता है दोस्तों, क्योंकि मैंने जो कलेक्शन में ऐड किया हुआ मॉडल है वो भी इससे अच्छा तो नहीं है, और शायद ये मॉडल रेयर है दोस्तों। 684 जो ट्रांजिस्टर मेजर आता है फिलिप्स का वो रेयर नहीं है, लेकिन ये मॉडल रेयर है, और ऐसी कंडीशन में मिलना तो बहुत रेयर है दोस्तों। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले विकसित ગુજરાતના નિર્માણ થકી વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટે પ્રતિબદ્ધ થવા નાગરિકોને અનુરોધ કર્યો છે. રાજ્ય સરકાર અને સંબંધિત ક્ષેત્રના ઉદ્યોગકારોને વિલંબિત યે હો ગયા ટોન ઝડપી નિકાલ માટે 5 કાર્યકારી કચેરીઓની સ્થાપના કરશે. યે હો ગયા બસ ये ट्रिबल है दोस्तों, इसका ट्रिबल ये फाइन ट्यूनिंग है, वो शॉर्ट वेव में वर्क करता है, और साउंड देख लो दोस्तों,
अभी मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा सा ही बढ़ाता हूँ, वरना तो ये डीजे की तरफ पूरा वो उसका स्पीकर का आवाज़ इतना है कि पूरा साउंड इतना निखर के आता है कि बहुत आवाज़ होती है दोस्तों। लेकिन मैं उसका 30-40% वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, देखो। પાણી પુરવઠા મંત્રી કુંવરજી બાવળીયાએ રાજ્ય સરકારે શરૂ કરેલ જળ વ્યવસ્થાપન વિવિધ યોજનાઓની વિગતો આપી હતી। तो दोस्तों ये था हमारा फिलिप्स का वुडन बॉडी में 1970 का मेजर रेडियो 15RB536 वेरी गुड कंडीशन में है दोस्तों। वुडन बॉडी अच्छी है, ऑल फंक्शन वर्किंग है, और उसका ये भी दिखा दिया बास ट्रिबल वर्किंग है, फाइन ट्यूनिंग वर्किंग है। और दोस्तों ये उसका कंडीशन है आगे का बिल्कुल नया चमचमाता हुआ। किसी को परचेस करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और विंटेज ऑडियो इंडिया में दोस्तों ऐसे ही नए, जैसे कि मेरे पास, मैं वैसे सेल नहीं करता हूँ, कलेक्शन करता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास कोई दो मॉडल आता है तो मैं एक मॉडल कोई भी रेडियो चाहक को दे देता हूँ दोस्तों। और मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं हिस्ट्री भी कि मैंने जो प्रेस्टीज का दो था तो मैंने एक प्रेस्टीज का निकाल दिया है। और अभी अभी एक वाल वाला भी रेडियो, एक रेडियो चाहक निजामाबाद से आए थे तेलंगाना से लेने के लिए। और मैं वैसे कुरियर में इतना मानता नहीं हूँ दोस्तों, जिसको चाहे तो अहमदाबाद आके ले सकता है दोस्तों। कुरियर में ऐसी आइटम टूट जाती है तो मिलना मुश्किल है। तो चलो दोस्तों फिर मिलेंगे, इससे पहले आप रेडियो लाइक कर दीजिए, रेडियो का लुक को भी देख लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही नए नए अच्छे रेडियो की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।